प्रदीप जी, दूसरी बात मैं कह रहा था जो कल की घटना है, देखिए ऐसा है कि जब स्ट्रांग रूम में ये मशीनें ले जाई जाती हैं वोटिंग के बाद सील की जाती हैं, तो हर उम्मीदवार का जो एजेंट होता है उसके दस्तखत होते हैं, और जब कल खुलेगी ये मशीन, वो खोलने से पहले उन सबको दिखाया जाएगा कि ये सील से छेड़छाड़ तो नहीं हुई, दस्तखत आप ही के हैं या कोई बदल तो नहीं दिया गया। जब वो सब हाँ कहेंगे तभी वो मशीन खुलेगी। तो और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है, 24 घंटे आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में क्या हो रहा है। तीसरी बात, गलती इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी जरूर है कि उनको जब ये ट्रेनिंग के लिए मशीनें जा रही थी तो उम्मीदवारों को सूचित करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल हर हर चुनाव के समय होता है कि जो जो काउंटिंग सेंटर है वहां से मशीनें जाती हैं ट्रेनिंग के लिए कि काउंटिंग कैसे होगी, जो स्टाफ वहां लगाया जाए। जी हालांकि उसमें इसका जवाब देने का ओनस आप पर नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब इतनी सेंसिटिविटी है ईवीएम को लेकर, नतीजों को लेकर, तो फिर इतनी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? क्यों उन्होंने उम्मीदवारों से पूछने की जहमत नहीं उठाई? इसीलिए बाद में जब ये हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर दिखाया ये जो 20 मशीनें जा रही थी इन पर अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, इन पर न तो मतदान केंद्र का नाम है और न नंबर है। मतदान केंद्र के नाम और नंबर वाली मशीनें स्ट्रांग रूम में है और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं। निगरानी करें, सतर्क रहें आप, ये अच्छी बात है, लेकिन बात का बतंगड़ न बनाएं। और दूसरा, प्रशासन को इतनी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी कि ऐसा कुछ हो रहा है जब इतने हाई पिच पर चुनाव हुआ है तो ये कुछ चीजें आपने क्लियर कर दी हैं, और इसीलिए अनिल दुबे जी, सुरेंद्र राजपूत जी और एमएच खान साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्ट कर ले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।